हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से डिशवॉशर यूज़ किया जाता है। मेरे पीछे आप बर्तनों का पहाड़ देख सकते हैं। मेरे दोनों सिंक एकदम फुल हैं बर्तनों से। नॉर्मली मेरा सिंक एकदम क्लीन रहता है, क्योंकि जो भी बर्तन यूज़ होते जाते हैं काम करते करते, वो मैं साथ साथ डिशवॉशर में डालती जाती हूँ। बट क्योंकि आज वीडियो बनानी थी, हर चीज़ आपको ज़ीरो से दिखानी है कि किस तरह से यूटेंसिल्स लगाए जाते हैं, क्या वॉशिंग प्रोसेस है, तो उसके चलते भी सारे बर्तन अभी सिंक में रखे हुए हैं, तो उस मेस को कुछ देर के लिए इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इंडियन किचन में दिन के 3 टाइम का खाना बनता है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और उसके अलावा टी, कॉफ़ी, स्नैक्स वगैरह बनते रहते हैं। तो दिन भर के कितने सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। इंडिया में हमें हाउस हेल्प मिल जाती है, बट यहाँ पे फिनलैंड में हाउस हेल्प अवेलेबल नहीं होती है। इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। तो जो भी घर के काम होते हैं वो खुद से करने होते हैं, चाहे वो वैक्यूम हो, मॉपिंग हो या बर्तन हो। बट बर्तनों के मामले में एक एडवांटेज है कि यहाँ पर डिशवॉशर मिलता है, मशीन मिलती है, जो कि हर घर में होती है। चाहे आप रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हैं या अपना फ्लैट है, हर घर में आपको डिशवॉशिंग मशीन मिलेगी ही मिलेगी। और कुछ ऐसे रेंटेड अपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे ये पहले से इंस्टॉल की हुई होती है, वरना मैक्सिमम जगह पे किचन एरिया में ही एक स्पेस दिया जाता है, जिसको आप मेजर कर लीजिए और उस मेजरमेंट के हिसाब से मार्केट से आप मशीन खरीद के यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मैं अपनी किचन की बात करूँ, इंडियन किचन की बात करूँ, क्योंकि फिन्स का खाना हमारे खाने से बहुत अलग है। ये नॉर्मली प्री कुक्ड फूड लाते हैं, फ्रोज़न फूड लाते हैं, जो माइक्रोवेव या ओवन में या फिर से बॉयल करके खाना होता है। बट हमारे इंडियन किचन की बात अगर करूँ तो मेरे 80% बर्तन इसमें धुल जाते हैं डिशवॉशिंग मशीन में, जो कि एक बहुत बड़ी हेल्प है। रिमेनिंग जो 20% हैं उसमें आते हैं वो बर्तन जो डिशवॉशर सेफ नहीं है। आप पीछे देख सकते हैं, मैंने दो अपने प्रेशर कुकर जो हैं वो अलग से रखे हुए हैं, सिंक में नहीं है। और इसके अलावा जो हैं नॉनस्टिक पैन्स हो गए, या चकला बेलन हो गया, या कोई भी ऐसी डेलिकेट चीज़ें जो कि सेफ नहीं है अंदर डालना, वो सब चीज़ें हाथ से धुलती हैं। और अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, जब हम लोग यहाँ पे आए थे और फर्स्ट टाइम ये मशीन यूज़ की थी, तो इसमें प्रेशर कुकर भी डाला था मैंने, तो फर्स्ट वॉश के बाद उसकी जो हालत हो गई थी वो फिर दोबारा यूज़ करने लायक बचा नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कुकर मिलते नहीं हैं। और क्योंकि इनका खाना भी अलग होता है, ये प्रेशर कुकर सिर्फ इंडियन कुकिंग में ही काम आता है, तो उस टाइम पे आइडिया भी नहीं था। तो होता है ना, वो एक्सपीरियंस से सीखता है इंसान। तो तब से मैं प्रेशर कुकर इसमें नहीं डालती हूँ। और उसके अलावा जो बर्तन हाथ से धोने वाले होते हैं या जो डिशवॉशर सेफ़ नहीं होते हैं, वो तो खैर हाथ से ही धोने होते हैं। तो चलिए मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि अंदर से कैसा दिखाई देता है, क्या क्या कंपार्टमेंट्स होते हैं और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप अपने बर्तन इसमें धो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ये सीमेंस का डिशवॉशर है जो यहाँ से ओपन होता है। और ये अंदर से कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसके अंदर दो ट्रेज होती हैं। ये वाली है अपर ट्रे और ये वाली है बॉटम ट्रे। ये दोनों मूवेबल हैं क्योंकि नीचे व्हील्स लगे होते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये स्लाइड करके आप इसको अंदर बाहर कर सकते हैं। सिमिलरली ऊपर वाली भी। मशीन के अंदर दो फैंस होते हैं, दोनों ट्रेज के नीचे होते हैं। जो नीचे वाली ट्रे है उसके नीचे एक फैन है, ये, और जो अपर ट्रे है उसके नीचे भी एक फैन होता है। और ये दोनों फैंस जो है वाटर स्प्रे करने के काम आते हैं। बहुत ही हाई प्रेशर से वाटर स्प्रे करते हैं, स्पेशली नीचे वाला, इसलिए जो भी हैवी आपके यूटेंसिल्स होते हैं या फिर ज्यादा ग्रीजी यूटेंसिल्स होते हैं, वो आप नीचे वाले ट्रे में रखते हैं। और ये नीचे फिल्टर होता है जिसे एवरी 8 to 10 days में निकालकर साफ करना पड़ता है। कुछ भी खाना बचा हुआ, जैसे ग्रेन्स वगैरह कुछ भी इसमें फंस जाते हैं, तो एक बार निकाल के क्लीन करना होता है। इसको साफ करने के लिए इस तरह से इसे खोला जाता है और इसको ऐसे निकाल लिया जाता है और बस इसको फिर वापस लॉक कर दिया जाता है। और यहाँ पर है ये दो कंपार्टमेंट्स, जिनमें से एक में डाला जाता है डिटर्जेंट यानी कि टैबलेट, जो कि इस तरह की होती है। इसको इसमें डाल के इस तरह से बंद कर दिया जाता है, जो कि हर वॉश से पहले हमें एक बार डालना पड़ता है। और इस वाले में डालते हैं रिंसेट, जिसे लिक्विड कहते हैं, वो शाइन के लिए होता है। ये रोज़ नहीं डालना पड़ता है वॉश से पहले, ये 8 to 10 days में एक बार फिल करना होता है। जहाँ पर इसका ये पॉइंटर है, यहाँ तक, सिर्फ यहीं तक, इससे ऊपर नहीं फिल करना है, वरना ओवर हो जाएगा और बाहर ओवरफ्लो हो जाएगा वो,
और इसको भी यहाँ से ऐसे बंद कर दिया जाता है। आज मेरा भी ये ख़त्म हो रहा है इसलिए मैं इसको फिल कर रही हूँ अभी। ये देखिए ये इस लेवल तक फिल कर दिया है। ये इस तरह का लिक्विड होता है फिनिश। और जब ये वाला लिक्विड इसमें खत्म हो रहा हो तो इसमें इंडिकेशन मिलता है, ये जो साइन आप देख रहे हैं ना सेम यही साइन ऊपर दिखाई देता है यहाँ पे। ये देखिए इसके ऊपर जो ये लाइट है ये रेड कलर से ब्लिंक होने लगती है जब वो हमें रिफिल करना होता है। ये इंडिकेशन देता है कि लिक्विड खत्म हो गया है और हमें उसी वक्त उसको रिफिल करना होता है, तभी यहाँ से लाइट हट जाती है। ट्रे में यूटेंसिल्स डालने से पहले ज़रूर एक बार चेक कर लेना चाहिए, अगर कुछ एक्स्ट्रा लेफ्ट ओवर फूड यूटेंसिल्स में है चिपका हुआ तो उसको एक बार स्क्रेप कर लें और उसके बाद ही इसको फिर डिशवॉशर में डालें, वरना चांसेस रहते हैं कि वो साफ़ ना हो पाए सही से। और बॉटम ट्रे में जो आप स्पाइक्स देख रहे हैं यहाँ पे लिड या फिर प्लेट्स लगाई जाती हैं, और दूसरी तरफ मैं लगा रही हूँ सारे सॉस पैन वो भी अपसाइड डाउन, और साथ ही मैंने रखे हैं कुछ स्पैचुलास, और ये है बास्केट जिसमें रिमेनिंग छोटे स्पैचुलास और कटलेरी स्ट्रेनर वगैरह पीलर वगैरह रखे जाते हैं और ये बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। इसमें स्टेनलेस स्टील माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक ग्लास आइटम्स वगैरह आप इसमें आराम से डाल सकते हैं। और अपर ट्रे में मैं रखूंगी थोड़े से लाइट आइटम्स जैसे कि मग्स, छोटे बड़े बोल्स, कप्स, ग्लासेस वगैरह, और सारे के सारे अपसाइड डाउन करके रखने हैं और ध्यान रखना है कि कोई भी यूटेंसिल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करे वरना वो अच्छे से साफ़ नहीं होगा। और मशीन के अंदर कोई भी एल्यूमिनियम कॉपर टिन सिल्वर वेसल्स वगैरह नहीं डालने होते हैं, डेलिकेट डेकोर ग्लास आइटम्स वगैरह ये सब चीज़ें इसमें डैमेज हो जाती हैं। मशीन बंद करने से पहले मैं फ़ैन रोटेट करके एक बार चेक कर लूँगी कि कोई यूटेंसिल लगा तो नहीं है जिससे हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है उसको रोटेट होने में। और यहाँ से आप वॉशिंग साइकिल सेट कर सकते हैं कितने घंटे की आपको चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो यूटेंसिल्स हैं वो कितने हैवी हैं या लाइट हैं। और अलग अलग मोड्स होते हैं, क्विक वॉश, ऑटो, ईको वॉश, तो हमने अपना ये 70 डिग्रीज पे ही सेट कर रखा है क्योंकि हमारे बर्तन रोज़ एक जैसे ही होते हैं, ना बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं ना ही बहुत लाइट होते हैं। और बस इस तरह से मशीन को ऑन कर देंगे और यहाँ पे जो वॉश वाला इंडिकेटर है ये ऑन हो जाएगा। आफ्टर 2 आवर्स जब वॉशिंग साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो उसी बटन से जिससे मशीन ऑन की थी उसी से ऑफ भी कर देंगे। मशीन बंद होने के बाद अगर इमीडिएटली बर्तनों की ज़रूरत नहीं है तो मैं मशीन को कुछ देर बंद ही रहने देती हूँ, आधे से एक घंटा, क्योंकि इमीडिएटली खोल दी तो बहुत ज़्यादा स्टीम बाहर आती है क्योंकि जितने भी वेसल्स हैं वो सारे स्टीम ड्राई भी होते हैं अंदर। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं कि कैसे साफ हुए हैं बर्तन। ओपन करते हैं इसे और ये वाला जो टैबलेट का कंपार्टमेंट था देखिए खाली हो गया है क्योंकि यूज़ हो गई है टैबलेट। अब मैं आपको बर्तन दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने आपको दिखाया था जिसमें कितना सारा ग्रीस लगा हुआ था और अब ये एकदम साफ हो गया है। और नीचे वाली ट्रे में भी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से सारे बर्तन अच्छे से साफ हो गए हैं, बिल्कुल भी कोई चिकनाई कोई गंदगी कुछ भी नहीं है, अच्छे से सारे के सारे क्लीन हो चुके हैं। बस इन्हें अच्छे से लगाना होता है, ओवरलैप नहीं करना है, एक के ऊपर एक नहीं रखना है तो सारे बर्तन अच्छे से साफ हो जाते हैं। बस थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है बट नीट एंड क्लीन बर्तन बाहर निकलते हैं तो अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने वीडियो पसंद किया होगा, एक लाइक ज़रूर दे देना अगर अच्छी लगी हो और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। चलिए फ्रेंड्स आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, हैव फन, बाय बाय।